सुप्रभात। आज मैं आप सभी को एक किस्सा सुनाने जा रही हूँ। कश्मीर के पुंछ इलाके में एक बेटा तैनात है, हाथ में लाइव गन मशीन है। शाम के जब 7 बज जाते हैं तब माँ का कॉल आता है, फिर भी वह जवान फोन नहीं उठाता है, क्योंकि वह बेटा सुबह से भारत की खिदमत में मुस्तैद है। इसी बीच LOC में हिंदुस्तान पाकिस्तान में गोलाबारी की खबर सुनकर माँ फिर कॉल लगाती है, लेकिन बेटा तब भी फोन नहीं उठाता। जब बेटा 7 दिन बाद फोन उठाता है तब माँ उससे पूछती है कि बेटा ये तो क्या कर रहा है, फोन क्यों नहीं उठाता। इसके जवाब में बेटा कहता है, तनी हुई है सरजमीने, मैं खड़ा हूँ बर्फीली घाटी पर, नहीं गोलियां चलाने दूंगा मैं भारत की माटी पर। गद्दारों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा हूँ, गोलियों के बदले गोलियों से हिसाब ले रहा हूँ। हे माँ, अब तिरंगा दुश्मन की छाती में गाड़ के आऊंगा। हे माँ, वरना तेरी कसम तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। हे माँ, वरना तेरी कसम तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। अब बेटा पूछता है कि माँ तुम कैसी हो, मेरे बीवी बच्चे कैसे हैं। तब माँ कहती है, मिलने आजा बेटा, तबीयत मेरी खराब है, जननी हूँ मैं तेरी, बस यही मेरा जवाब है। तकिए के नीचे तस्वीर लेकर बहू मेरी सोती है, महीने हो गए तुझे देखे फूट फूट कर रोती है। दूध के दांत वाला बच्चा बोलना तक जानता नहीं, फिर भी चीखों में पापा पापा कहता मानता नहीं, फिर भी चीखों में पापा पापा कहता मानता नहीं। इसके जवाब में बेटा कहता है, जननी है तू मेरी तो मातृभूमि सबकी जननी है, इसी पर अपनी जान न्योछावर करनी है। खतरा है भारत को, इतने आतंकवादी हैं, इसी कारण से गोलियां छेले हमारी छाती है। युद्ध ना होते ये तो राजनीति के कारण है, नेताओं के भाषण के ये उच्चारण है। अब माँ समझ जाती है कि उसका बेटा और नहीं सुनेगा और वह फोन रख देती है। फिर कुछ समय बाद एक दिन बेटे का शरीर तिरंगे में लिपटकर कॉफिन में आता है। तब माँ कहती है, दिल में देश प्रेम और बाजुए फौलाद था, शहीद जवान सैनिक के साथ वह सिंह की औलाद था। 4 महीने का बेटा जो पिता की गोद में कभी न बैठा, देख रहा है अपने पिता को लकड़ियों के ढेर पे लेटा। बहू का आंचल सूना का सूना रह गया, मेरे बेटे को सैनिक बनाना, ऐसा उसकी चिता का धुआं कह गया। मेरे बेटे को सैनिक बनाना, ऐसा उसकी चिता का धुआं कह गया। धन्यवाद। So if you liked our video, smash that like button and don't forget to share, comment and subscribe. Bye.